नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को हमारे आज के कार्यक्रम में मैं मोना शर्मा गुप्ता आपका अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत। तो बताइए, क्या चल रहा है आजकल? आजकल टीवी मोबाइल का इतना बोलबाला है कि हमारे अतीत, हमारे इतिहास की अनेक खूबसूरत चीजों का लुफ्त आज की जनरेशन नहीं ले पा रही है। दादी नानी से कहानियां सुनने में क्या मजा है, ये तो जो सुने वो ही जाने। जो सीख या मनोरंजन हमारी कहानियां द्वारा प्राप्त होता है, वे आजकल के हाईफाई गैजेट्स में कहां। कहने को तो सोशल नेटवर्किंग लोगों को कनेक्ट करता है, पर वास्तव में ये कई परिवारों को, घरों को, एक ही कमरे में बैठे हुए लोगों को डिस्कनेक्ट तो नहीं कर रहा। मेरा तो मानना है कि सर्वप्रथम परिवारों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में कनेक्शन रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो पोस्टमैन द्वारा हैंड रिटन पत्र मिलने में मजा है, वह ईमेल में कहां। पाए वो किताब या उपन्यास पढ़ना हो या किसी से कहानी सुनने का आनंद हो, वह बात ही एकदम निराली है। तो आइए, आज क्यों ना हम अपने इतिहास के पन्नों से जुड़ने की चेष्टा करें। अकबर और बीरबल को भला कौन नहीं जानता। अकबर और बीरबल के किस्से विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और इनकी हर एक कहानी से हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। मुगली सल्तनत के महान सम्राट अकबर और उनके 9 रत्नों में से एक बीरबल थे, जो कि अपनी तेज बुद्धि द्वारा बादशाह को लाजवाब कर देते थे। दोनों का रिश्ता अमूल्य था, अनमोल था। हर एक किस्सा रोचक व हास्यपूर्ण था। सुनने पर वे हमें कई दिनों तक गुदगुदाता है। तो आज से हम आपके लिए आरंभ कर रहे हैं बड़े ही मजेदार एवं सीख से भरपूर कहानियों की लड़ी। कहानियां अकबर और बीरबल की अद्भुत जोड़ी की। ये छोटी छोटी कहानियां लुफ्त से भरी हुई हैं, जिनमें विभिन्न चटकारों का स्वाद लिया जा सकता है। ये कहानियां हर वर्ष का व्यक्ति सुनकर मजा उठा सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जिंदगी के मजेदार प्रश्नों का उत्तर जान सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला कहानियों का, अकबर और बीरबल की। तो आज क्यों ना जाने कि अकबर और बीरबल कैसे मिले। जी हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी है। आइए सुनते हैं कैसे हुई अकबर बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर की गिनती महान बादशाहों में होती है। वो बहुत बड़े योद्धा, बुद्धिमान और दूरदृष्ट थे। इसी के चलते एक दिन रामायण की चर्चा हो रही थी कि अचानक बादशाह अकबर खड़े हुए और बोले, मैं ही राजा राम का अवतार हूँ। ये सुनकर सभी हिंदू विद्वान आश्चर्यित हुए। महेश दास नामक एक पुरुष बादशाह के दरबार में पहुंचे। उन्हें देखकर बादशाह ने पूछा, आप कौन हो नौजवान, और आप यहाँ इन विद्वानों के बीच क्या कर रहे हो। ये सुनकर महेश दास बोले, महाराज गुस्ताखी माफ, परंतु अगर आप बुद्धिमानी का अंदाजा उसकी उम्र और सफेद बालों से करते हैं, तो मैं अभी जाकर आता हूँ, एक चीज लानी है मुझे। और वो दरबार से चले गए। कुछ देर बीतने के बाद महेश दरबार में एक बुजुर्ग बकरा लेकर आए। ये देखकर सभी दरबारी डर गए और सोचने लगे कि अब बादशाह अकबर क्या करेंगे। परंतु बादशाह अकबर ये देखकर मुस्कुरा पड़े और बोले, तुम्हारी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं। और इस बार जब महेश दास आए तो उनके पास एक जग था और कुछ पत्थर भी थे। बादशाह अकबर ने पूछा, ये क्या है और किस लिए लाए हो तुम इसे। महेश दास बादशाह अकबर के पास गए और बोले, जापना, मेरी आपसे एक विनती है, कृपा करके आप इन पत्थरों को इस तरह से जग में डालें कि ये एक के ऊपर एक आकर गिरें। बादशाह अकबर ने वैसे ही किया और पत्थर लेकर शुरू हुए डालना, परंतु दो पत्थरों को छोड़कर कोई भी पत्थर एक के ऊपर ना आ सका। बादशाह अकबर बोले, जितना सोचा था उतना आसान नहीं है ये कार्य। इतने में ही महेश दास बोले, आलमपना, कहते हैं श्री राम ने हिंदुस्तान से लेकर लंका तक इसी तरह एक पुल बना दिया था। अकबर मुस्कुराए और बोले, अच्छा,
तो तुम ये साबित करना चाहते हो कि राम तुम्हारे बादशाह से बड़े योद्धा और ज्यादा महान थे। बादशाह अकबर हिंदू पंडितों की तरफ मुड़े और कहा, ये लड़का तुम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है और इसकी बुद्धिमानी के कायल हो गए हैं हम। इसीलिए आज से हम इस नौजवान को अपने दरबार में शामिल करते हैं। महेश दास को यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने झुक कर बादशाह को सलाम किया और कहा, आलमपना, मैं अपनी पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करूंगा। ये थी महेश दास की पहली मुलाकात बादशाह अकबर से, और यही महेश दास बाद में चलकर बीरबल के नाम से मशहूर हुए। तो कैसी लगी ये कहानी? और इसी कहानी के साथ हम सब जुड़ने का प्रयास करते हैं उस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दौर का। तो तय रहेगा आपका हमारा साथ हर सप्ताह एक नई कहानी के साथ। दावा करते हैं कि हर एक कहानी आपको दंग कर देगी। हम चाहते हैं कि ये कहानियाँ आप सुने और सुनाएं। हमारे साथ बने रहें। मोना शर्मा गुप्ता आपसे आज्ञा चाहती है। नमस्कार।